संध्या के लिए माँ सरस्वती को प्रणाम। और हमारे आज की जैसे मीटिंग आपको पता है कि ये अपना नया सेशन से स्टार्ट हो गया है, तो इस नए सेशन स्टार्ट होने पे हम लोगों को लगता है कि हम लोग जिस कहते नहीं कि जिस जोश से हम लोग अपने स्कूल जाते थे, जब अपना स्कूल टाइम था तो हम लोग भी अपना सब पूरी तैयारी वगैरह सब करते थे, बैग वैग लगाना, अच्छी नई नई किताबें उनका कवर करना, इस तरीके से कई सारी चीजें ऐसी होती थी, जाना उसी स्कूल में, बस क्लास अपने को बदलना होता था। तो हम लोग उसी तरीके से हम लोग भी अब हम लोग टीचर्स हो गए, तो अब अभी भी हम लोगों को वही सब करना है, लेकिन बस ये है कि उस चीज में और इसमें थोड़ा सा अंतर हो गया है, यहाँ पे जिम्मेदारी कुछ ज्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पे जो संकुल मीटिंग हुई है, हमारे बीच उपस्थित एआरटी सर और हमारे सभी शिक्षक संकुल एवं जितने भी विद्यालयों से आए हुए सभी अध्यापकगण, सर्वप्रथम हम लोगों की जो मीटिंग है इसका मेन उद्देश्य जो है हम बहुत दिनों से सुनते ही चले आ रहे हैं, लेकिन मेन चीज है अब ऐसा समय आ गया है कि अब इसका कहते नहीं कि अब ब्लास्ट हो रहा है कि अब हमें इसको जमीन पे लेके आना ही है। अभी तक तो ये था कि हमें करना है, धीरे से कर लेंगे, जब हमारे ऊपर प्रेशर आएगा तब हम कर लेंगे, लेकिन ये सेशन इस तरीके का ये साल है कि इसमें हमें करना ही है, और कैसे करना है इसके लिए सभी यहाँ पे उपस्थित एआरपी सर हैं, शिक्षक संकुल हैं, यहाँ पे जो भी आपको जो भी कठिनाइयां आए, जैसे आपको कार्य योजना बनानी है, वार्षिक कार्य योजना, निपुण ऐप, जो निपुण माने जो भी आपको चीजें परेशानी जो भी करें आपको, हमें नहीं पता कि यहाँ पे बहुत इंटेलिजेंट लोग भी हैं जिन्हें हर चीज सॉर्ट आउट हो जाती है उनकी, लेकिन कई ऐसे हैं कि जो अभी भी इन सब चीजों से अनभिज्ञ है, तो उसे भी हमें इस तरीके से लेके चलना है कि हमें ये नहीं सोचना है कि हमें इसे धीरे 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 करके नहीं, हमें यहाँ पे अगर कोई भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई भी टीचर ये नहीं है, यहाँ मीटिंग का आज की जो सेशन की जो पहली साल की मीटिंग है इसमें ये कोई भी टीचर यहाँ पे नहीं अपने जब भी जाएगा स्कूल में तो वो कुछ ना कुछ कैलिवर करेगा, कुछ ना कुछ अपना क्रिएटिविटी करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा अपने स्कूल में कि सभी बच्चे वहाँ स्टाफ हर कोई यही सोचे कि शायद इस बार की मीटिंग जो ये साल है जो बहुत ही ज्यादा हम लोगों के लिए मतलब प्रेशराइज भी नहीं होना चाहिए और अच्छे से हम लोगों को अपना काम भी करना चाहिए। अब सबसे पहले क्या है, हम थोड़ी सी बात निपुण अपने आज जो निपुण भारत कार्यक्रम उसके बारे में कर लेते हैं। तो ये जो सेशन है इसमें आपको पता है कि जुलाई 2023 तक हमें अपने सबको रिजल्ट देना है अपने बच्चों का, और दूसरे नंबर पे ये है कि हमें हर तरीके से अपने मोबाइल में जो भी शासन के द्वारा जो भी शासनादेश आता है उसको बहुत बारीकी से, कभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसको डाउनलोड भी नहीं करते, देखते भी नहीं है और डिलीट मार देते हैं, कभी कभी हो जाता है, लेकिन अब आप किसी भी तरीके से एजुकेशन का कुछ भी आएगा आपको उसको देखना है, समझना है उसको, आप उसी की क्रियाविधि को अपनाना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें कि आपके पास ऑनलाइन भी फोन आएंगे, आपके पास ऑनलाइन निपुण भारत कार्यक्रम से संबंधित फोन आएंगे, उसमें बकायदा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आधारशिला सदस्यता क्या है, कार्य योजना कैसे तैयार करनी है, निपुण ऐप में क्या, किस तरीके से काफी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उस तरीके का आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरी ये कि जैसे अभी हम तो सिर्फ एक गतिविधि के लिए खड़े हुए थे, लेकिन हमने कहा चलो 2-in-1 काम कर ले, अपना भी निपटा ले, तो हम इस चीज से अपना इस कार्यक्रम को गतिविधि के हिसाब से थोड़ा सा हम समझा रहे हैं। जैसे कोई बच्चा है, हम लोग एक पहली बार तो हम लोगों को एक चक्राकार उसमें बैठना है, मतलब चक्राकार में बैठना है, तो हाँ तो वो चीज हम लोगों की परेशानी है कि हम लोगों के स्कूल इस तरीके के नहीं है और ऐसी जगह भी नहीं मिलती है कि जहाँ पे हम लोग एज ए ग्राउंड में थोड़ा सा घूम के करें, क्योंकि हम लोग आपस में एक दूसरे के सामने फेस होना चाहिए, इससे क्या होगा कि एक पॉजिटिविटी भी आएगी और हम लोग एक दूसरे से क्वेश्चंस भी पुट अप कर पाएंगे, है ना। तो अब जैसे एक छोटी सी गतिविधि है, अभी हमने पढ़ी है, जस्ट आज ही अभी हमने पढ़ी है, तो उसमें हमारे यहाँ बोला गया था कि जैसे हम किसी से कभी कभी हम बहुत भावनाओं से जुड़े होते हैं, हम उसको बहुत ज्यादा जानते हैं, भले ही वो हमारे घर में नहीं रहता है, एज ए टीचर ही समझ लो हम अपने बच्चों से, तो बच्चे हमें भले ही वो हमारे घर में नहीं रहते, हमारे घर के मेंबर्स को नहीं जानते, लेकिन वो हमारी खुद की जो हमारी एक्टिविटी होती है उसको बहुत बारीक से समझते हैं, समझते हैं ना, तो वो हर चीज में से हमने बोला, जैसे हमने 5-6 लोगों का एक ग्रुप बना लिया, अब 5-6 लोगों के ग्रुप बनाने में क्या किया कि हमने जो बच्चे थे उनसे हम खड़े हो गए, अपने बारे में हमने 3 क्वेश्चन बनाए, 3 क्वेश्चन में हमने क्या किया कि 2 क्वेश्चन सही किए और 1 अपने बारे में 1 गलत बताया,
ठीक है, हमने अपने बारे में बताया चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन हमारे बच्चों ने तुरंत उसको ऑब्जेक्ट कर दिया, नहीं दीदी आप ऐसी नहीं हो, होता है ना। जैसे हमने अपनी दो खूबी बताई, एक हमने अपनी निगेटिविटी बता दी, वो बच्चे हमने निगेटिविटी बताई लेकिन हमें लग रहा कि वो हमारी खूबी होगी, लेकिन बच्चे ने तुरंत उसको बोल दिया, डिनोट कर दिया, नहीं दीदी आप ऐसी नहीं हो। तो इससे क्या होता है कि हम बच्चे से भावनात्मक रूप से, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि जब हम बाल वाटिका कार्यक्रम जब हम लोग कर रहे हैं स्कूलों में, तो हमें बच्चों के साथ बहुत सहयोगात्मक विचार विमर्श करना है, मतलब बच्चों के साथ ऐसे घुल मिल जाना है कि बच्चे अपने स्कूल घर से स्कूल के लिए ऐसे दौड़ लगाएं जैसे उनके मामा या मौसी या कोई भी उनके घर में जब उनके बहुत अच्छे कलीग आ जाते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं, तो वो दौड़ के जाते हैं क्योंकि उन्हें वो चाहत होती है कि उनसे वो पैसे मिलते हैं उनको, या जो भी वो सामान लाए होते हैं उसके लिए उनकी दिलचस्पी होती है। ऐसे ही जब वो बच्चा हमारे स्कूल में आए तो वो एज ए रिश्तेदार ही तरीके से हमारे भी चिपट जाए, हमारे भी अंदर लग जाए, वो गले लग जाए। तो इस तरीके से बच्चों का और हमारा आपस में संबंध होना चाहिए, बाल वाटिका का मैं यही मोटिव सबसे बड़ा। फिर खेल खेल से बच्चों को खेल खेल से पढ़ाना है। दूसरी तीसरी चीज का बच्चों को ज्यादा से ज्यादा रंगों के बारे में बताना है, कलर्स बच्चों को पसंद ही है, ज्यादा से ज्यादा रंगों के बारे में बताएंगे तो बच्चे बहुत प्रभावित होंगे। इसीलिए अपना जो माहौल है वो इतना अच्छा और सुंदर रखिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंटरटेनमेंट, आपको भी बच्चों के साथ में हो और बच्चों को भी आपसे हो, और दूसरे दिन आपको गांव में कई बच्चे बुलाने ना जाने पड़े, है ना, बच्चे आपके लिए खुद आए। और मेन चीज क्या है कि हर चीज के छोटे छोटे क्लिप जरूर रखिए, जो भी यहाँ पे नोडल शिक्षक नोडल टीचर्स हैं, हम शिक्षक संघ को लेने जाते हैं तो कहीं पे भी किसी भी स्कूलों में, कहीं तो बहुत अच्छी तरीके से है लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा है कि वो लोग करते तो बहुत अच्छा काम है लेकिन प्रैक्टिकली उनके पास कुछ भी नहीं रहता है, तो वो धीरे धीरे छोटे छोटे से जो है, जैसे आप कोई भी बिग बुक पढ़ा रहे हैं तो बिग बुक की छोटी छोटी सी वो रखिए अपने पास, स्टोरी वीडियो होते हैं सबके पास मोबाइल है तो सभी लोग थोड़ा थोड़ा रख के और अपना उस तरीके से हम लोगों को आप भेजिए। तो कल के दिन जैसे कोई भी आता है तो अगर आपके पास थोड़ा सा भी 19-20 आपके साथ होता भी है कि आप काम नहीं कर रहे या कुछ, तो हमारे पास भी आपके लिए रिजल्ट है कि नहीं, बराबर होता है। देखिए सर हर डेट का भेजती है, देखिए सर ये इनका इस तरीके का कार्य योजना का रजिस्टर है, तो जो आपकी गलतियां जो आप नहीं कर पाए वो हम लोग भी पूरा कर दें। तो हम आप लोगों से यही आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी है वो आप लोग अपने स्कूलों में करें और ये सेशन आप बहुत मजेदार करें और इसमें दिखाई दे रिजल्ट भी, क्योंकि रिजल्ट तो दिखना बहुत जरूरी है, हम सब पे भारी पड़ेगा ये। और इन सब बातों के लिए हम अपनी बात विराम देते हैं।